Thank you.
छोटा काम कर दो, खिला रो जरा बन रही है। हाँ जी बन। Thank you.
चल किक मार किक मार किक मार स्कूल यार नाज़रीन खबर देते चले आपको खबर है ये तहसील जड़ावाला से जहां चेयरमैन तहरीक लबैक पाकिस्तान मौलाना खादिम सैयद रिजवी पीर सैयद कफ़ैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बतालवी सालाना और मुबारक में शिरकत के लिए जड़ावाला पहुंच गए। मौलाना खादिम सैयद रिजवी का जड़ावाला में शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे साथ इस वक्त प्लान पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद एहसान। ये एहसान क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक लबैक पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब जड़ावाला पहुंच चुके हैं। ये 15 मिनट का सफ़र था मोटरवे से 124 गाफे रोडी तक का, जो कि तकरीबन 3 घंटे में ये पूरा हुआ है। इनका जगह जगह इस्तकबाल किया गया। इनके जो दीवाने हैं, इनके चाहने वाले हैं, उन्होंने कोई स्टाप कोई चौक ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर इनका इस्तकबाल नहीं किया गया। और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी जो है वो फूलों से बिल्कुल लदी हुई नज़र आ रही है और बार बार गाड़ी के जो शीशे हैं वो फूलों से इनके साफ किए जा रहे हैं और उनका इस्तकबाल जो है वालहाना अंदाज में किया गया है। और जड़ावाला की तारीख में ये इस्तकबाल मेरा ख्याल है कि एक तारीखी हैसियत रखता है जिस तरह के इनका इस्तकबाल किया गया है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के चेयरमैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन आलम दीन भी हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान का काम जो है वो इस वक्त किसी से ढका छुपा नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामोस के लिए जो काम कर रही है शायद इसकी मिसाल कहीं और मिलना नामुमकिन है।
इस वक्त पीर सैयद कफायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार से होते हुए खादिम हुसैन रिजवी साहब पिंडाल में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनका खिताब शुरू हो जाएगा और वो अपने खिताब से अवाम के दिलों को गरमाएंगे। यहां पर यह काबिले जिक्र बात है कि मैं खड़ा कवरेज कर रहा था तो मौलाना साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक कर ड्राइवर से मुझे बुलाने के लिए बोला और मुझे बुलाकर वो खुद मुझसे मुसाफा किया और ये मैं समझता हूँ कि मेरी किस्मत की मेराज है और शायद ये इस वजह से भी है कि मैं एक उन्होंने देखा होगा कि ये एक माजूर शख्स है, ये इतनी भाग दौड़ कर रहा है। तो मैं तो अपनी आखिरत के लिए, अपने सवाब के लिए ये सारा कुछ कर रहा था, तो ये मेरे लिए बरकत, ये फख्र की बात है और ये मेरे लिए सरमाया आखिरत है कि मुझे मौलाना खादिम हुसैन साहब रिजवी ने खुद बुलाया और मुलाकात का शर्फ अता किया और इंशाल्लाह कुछ देर बाद उनसे बाकायदा मुलाकात भी होगी और इनका इंटरव्यू भी किया जाएगा इंशाल्लाह। जी